हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किडोज एजुकेशन। तो आज मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप सबने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो प्लांट में जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इट मींस कि प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स, उनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स जनरली प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। तो बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स जो है फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो आपको पता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो एक प्लांट को ग्रो करने से हमें इतना सारा फूड नहीं मिलेगा। अब हमें घर में 10 लोग हैं तो उन्हें हमें एक पैकेट आटे की जरूरत है। अब ये आटा आता कहाँ से है? तो ये वीट से आता है। वीट की एक प्लांट में कितने सारे सीड्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 20, 25, 30, 35, 50 अराउंड। तो क्या 50 सीड्स में हमारे फैमिली का पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसी के लिए आज जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रॉप। कि क्रॉप होता क्या है? व्हाट इज क्रॉप? ये क्रॉप है, क्रॉप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो क्रॉप का मतलब है कि जब एक ही तरह के प्लांट लार्ज स्केल पे एक फील्ड में ग्रो किए जाए तो उनको कहा जाता है क्रॉप। When the same kind of plants are grown on a large scale to obtain food like cereals, rice, maize, pulses, vegetables and fruits, these are called crops. For example, a crop of wheat means that all the plants grown in the field are of wheat. मतलब क्या है कि जब एक फील्ड में लार्ज स्केल पे एक ही तरह के प्लांट को ग्रो किए जाएं तो उनको क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि अगर आप वीट के फील्ड में जाओगे तो सिर्फ आपको वीट ही दिखेंगे, यानी कि वहां पे उतने सारे वीट के प्लांट को टुगेदर हम क्या कह सकते हैं? क्रॉप कह सकते हैं। किस चीज का? वीट क्रॉप। तो देर आर मेनी काइंड ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स हैं। जैसे हम डिपेंड करते हैं सीरियल्स पे, पल्सेस पे, ऑयल्स पे, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे। ऑलराइट, तो सीरियल क्रॉप्स क्या है? वीट, पैडी, मेज, मिलेट्स, बार्ली, इनको हम क्या कहेंगे? सीरियल क्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स वीट, पैडी, मेज, मिलेट, बार्ली। पल्सेस क्रॉप्स ग्राम, पीस, बीन्स एसेट्रा। ऑयल सीड्स, जिनसे कि आपको ऑयल मिलता है, जस्ट लाइक मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, इनके सीड्स से हमें ऑयल मिलते हैं ना। वेजिटेबल्स भी हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स में काउंटेड होते हैं, जस्ट लाइक कि टमाटो, कैबेज, स्पिनच एसेट्रा। फ्रूट्स क्रॉप भी है, जस्ट लाइक कि आप बच्चों को बहुत सारे फ्रूट्स पसंद है, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? फूड क्रॉप्स कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? तो क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? ऑलराइट, तो क्रॉप्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है सीजन पे। सीजन मींस देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। जनरली क्या है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है। समटाइम्स बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है, समटाइम्स बहुत कम वाटर की नीड होती है। तो जब बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए तो ऑन दैट टाइप ऑफ क्रॉप इज नोन एज खरीफ क्रॉप। उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, इनको रेनी क्रॉप भी कहा जाता है। रेनी क्रॉप जो कि जून से अक्टूबर के मंथ में, अब रेन कब होते हैं? रेन का मतलब क्या है? जून जुलाई से हमारी रेनी सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है और जून टू सेप्टेम्बर
या अक्टूबर तक क्या है हमारा खरीफ क्रॉप ग्रो होता है। तो ऐसे क्रॉप्स में क्या आ सकते हैं, जैसे कि पैडी, आपने देखा होगा कि पैडी को ग्रो करने के लिए, पैडी मीन्स धान जहां से हमें राइस मिलता है, तो राइस को ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारे वाटर की नीड होती है। अगर कम वाटर होता है तो ऐसे प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक, मेज का भी सेम ही है कि आप रेनी सीजन में जनरली आप मेज को देखते हो, तो ऐसे क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए भी वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है। लेकिन अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जिनको कि कम वाटर में भी वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा वाटर मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर मॉइस्ट वेदर उनको मिलता है, कम वाटर मिलते हैं, तो उनमें वैसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे दीज प्लांट्स और दीज क्रॉप्स आर नोन एज द रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप के भी नाम से जानते हैं। तो आपने विंटर में बहुत सारी सब्जियां खाई होंगी, जस्ट लाइक कि पीस, मटर आपने खाया होगा बहुत शौक से, चने, ग्राम खाते होंगे, वीट आप देखते होंगे जो कि जनरली हमारे घर में। तो ये वीट जो है ये रबी क्रॉप्स होता है, इनको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। तो दिस टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन बिटवीन द अक्टूबर एंड मार्च, अक्टूबर से मार्च के महीने में इन्हें ग्रो किया था। अक्टूबर के मंथ में इनको, इनके सीड्स को सो किया जाता है और मार्च अप्रैल तक इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स विच आर ऑल्सो नोन एज रेनी क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स विच आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। खरीफ क्रॉप के अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पैडी, मेज एक्सेट्रा, जिनको की ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है। रबी क्रॉप्स जिनको ग्रो करने के लिए बहुत कम वाटर की नीड होती है, वीट, पीज, ग्राम्स, दीज आर नोन एज रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। अब इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो फार्मर्स होते हैं ये एक दिन में क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, इनके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो दीज आर नोन एज, इनको हम क्या कहते हैं, जब जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, उनको क्या कहा जाता है, प्रैक्टिसेस। उनको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस के लिए क्या है, हम यहाँ पे कुछ टाइप्स देखेंगे। बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जब भी फार्मर्स ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो दीज आर द सम स्टेप्स विच आर फॉलोड बाय द फार्मर्स टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट इज सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या है, सॉइल प्रिपरेशन है। द सेकेंड की सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनमें सीड्स का शो किया जाता है, सोइंग होती है। थर्ड स्टेप्स है कि जब हमने सीड्स को डाल दिया सॉइल में, उसके बाद जो क्या किया जाती है, मैन्योरिंग किया जाती है, यानी कि हमें फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स उसमें डाले जाते हैं। जब हमने इन सारी चीजों को डाल दिया तो हमें वाटर की नीड होती है। तो फोर्थ स्टेप्स है इरिगेशन। इरिगेशन जब होती है, सारी चीज उनको मिल रहा होता है, तो इनके साथ साथ प्लांट्स के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, उनको कहा जाता है वीड्स। तो हमारा काम क्या है कि इस वीड्स का रिमूवल करना होता है, क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। और जब हमारा प्लांट्स पूरी तरह से, यानी कि हमारी क्रॉप्स पूरी तरह से रेडी हो जाती है, तो अब हमारी टर्म, फार्मर्स की टर्म आती है कि उनको हार्वेस्ट किया जाता है, कटिंग किया जाता है। और जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो लास्ट प्रोसेस इज द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टेज है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल इज द, व्हाट इज एट फर्स्ट आर क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, सॉइल क्या है। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इनको क्या कहते हैं, अपर मोस्ट लेयर, अपर लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ की ये अपर मोस्ट लेयर है जहां पे सॉइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी क्रॉप जो है यहीं पे तो ग्रो हो रही है, इसलिए सॉइल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
और सॉइल से क्या है कि प्लांट को जो भी मिनरल्स होते हैं, आपको पता है कि मिनरल्स जो है सॉइल में कंटेन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं और इनमें ही वाटर होता है, और यहीं पे जो है प्लांट स्टैंड कर सकती है, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स को एक सपोर्ट मिल जाता है, तो ये क्या है, सॉइल है। तो सबसे पहले सॉइल हमारा सबसे बेसिक थिंग है, तो सॉइल को प्रिपेयर करना फार्मर्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर द सॉइल, सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो देर आर थ्री स्टेप्स फॉर द सॉइल प्रिपरेशन। फर्स्ट इज द प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल। प्लोइंग को हम टिलिंग के नेम से भी जानते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, टीलिंग भी कहा जाता है, TILLING। टीलिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लोइंग में क्या होते हैं कि जब क्रॉप्स का ग्रो कराता है तो अपर लेयर थोड़ी ड्राई रहते हैं और उनकी न्यूट्रिशन थोड़ी कम हो जाती है, तो उनको हम क्या करते हैं, प्लोइंग के थ्रू जो नीचे के लेयर में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऊपर की ओर तक करते हैं, यानी कि लूजनिंग किया जाता है, क्योंकि अपर लेयर क्या होती है, टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उनसे प्लांट को जो एयर है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए क्या है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एक एयर की नीड होती है, या डेप्थ तक सीड्स अंदर जा सके और न्यूट्रिशन जो है उनको प्रॉपर मिल सके, वाटर आपने जब डाला तो वो भी सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, तो इसके लिए इनको क्या है, लूज किया जाता है। साथ ही साथ सॉइल में क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, तो क्रम्स को भी ब्रेक किया जाता है प्लोइंग के थ्रू। आफ्टर दैट सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो लेवलिंग होती है। लेवलिंग में क्या है कि सॉइल जो जहां पे हमने हमने प्लांट क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है उस फील्ड को लेवल में लाया जाता है, क्योंकि अनइवन होती है जब आप प्लॉइंग कर रहे होते हो, तो उन अनइवननेस को हटाने के लिए यानी फील्ड को इवन बनाने के लिए, ताकि हर प्लांट को प्रॉपर वाटर मिल सके, हर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, मैन्योर मिल सके, प्रॉपर सनलाइट मिल सके, ये सभी चीज जरूरी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो सेकेंड स्टेप्स क्या है, लेवलिंग है। और थर्ड, साथ ही साथ उनमें क्या होता है, मैन्योर भी मिलाया जाता है, क्योंकि हमारा मैन्योर जो है मैन्योरिंग भी की जाती है, क्योंकि जब प्लॉग किया जाता है उसके पहले ऑलरेडी प्लांट कुछ पहले के प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, तो उनकी वजह से उन्होंने सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इस वक्त अभी सॉइल में हमारा कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचा हुआ है, बहुत कम न्यूट्रिशन बचे हुए, तो इस न्यूट्रिशन को बूस्टअप करने के लिए उनमें क्या है कि सॉइल प्रिपेयर करने से के टाइम में थोड़ा मैन्योर्स जो है, थोड़ी फर्टिलाइजर्स या ह्यूमस जो हम कह सकते हैं, हम सॉइल में मिक्स करते हैं। ऑल राइट, तो देर आर थ्री स्टेप्स ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। द सेकेंड, अब प्लोइंग के लिए या लेवलिंग या जो भी मैन्योरिंग करते हैं, तो ये सॉइल प्रिपरेशन में हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है प्लॉ। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज प्लॉ। प्लॉ की इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर दे रही हूँ। प्लो का आप ये जो पार्ट देख रहे हो, इनको हम कहते हैं बीम या शाफ्ट कहा जाता है। इस पोर्शन को शाफ्ट कहा जाता है। जो नुकीली सी पार्ट, पॉइंटेड पार्ट आप देख रहे हैं, उनको शेयर कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट जो पॉइंटेड पार्ट्स हैं उनके पास में, उनको शू कहा जाता है। और ये उनकी जो है बॉडी होती है, और ये उनका क्या है, हैंडल होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉ। और ये जो पॉइंटेड पार्ट है, यही क्या है, सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा चीज है हो। हो भी क्या है, प्लॉइंग का ही एक पार्ट है। इनमें क्या होती है, ग्रिप होते हैं, हैंडल होती हैं और बेंट प्लेट होती हैं। और ये बेंट प्लेट जो है, ये भी क्या है कि ये भी सॉइल को लूज करने में ये हेल्प करते हैं। ये जो दोनों प्लॉ एंड हो, ये दोनों ही क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, मैनुअली किए जाते हैं। और इस वजह से क्या होती है, दीज आर द टाइम टेकिंग। जब प्लॉइंग का काम होता है, बड़ी फील्ड होती है, तो इनमें मैनुअल होने की वजह से ये बहुत दिन लग जाता है,
और इनमें जो वर्क एफर्ट है वो भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से टाइम सेविंग के लिए और कम मैनुअल जो हमारा लेबर वर्क है इनको कम करने के लिए हमारा थर्ड जो है वो है ट्रैक्टर के थ्रू। ट्रैक्टर में ये जो प्लो आप देख रहे हैं वो लगा हुआ होता है। इन जो प्लो है कंबाइंड ट्रैक्टर होती है जिनमें की आयरन रॉड बने होते हैं, सॉवेल इनमें लगा हुआ होता है, आयरन एंगल्स होते हैं और ये इनका जॉइंटर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर के थ्रू जो कि मैनुअली नहीं होता है इनमें लेबर जो है बहुत कम लगते हैं और कम टाइम में ही हम एक बड़े फील्ड को हम बहुत ही कम टाइम में बड़े फील्ड को इजिली प्लो कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है जब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। सॉइल के प्रिपरेशन में हमने क्या देखा कि प्लोइंग किया, लेवलिंग किया एंड मैन्योरिंग किया। प्लॉइंग के लिए भी अलग अलग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का हमने यूज किया। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है टूल्स, तो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स का हमने यूज किया। जब हमारा सॉइल प्रिपेयर हो गया तो एक बार हमें उनमें फिर से वाटर डालना होता है ताकि सॉइल क्या होती है मॉइस्ट रहे और उनमें इजिली सीड को सो किया जाए। तो थर्ड हमारा नेक्स्ट स्टेप्स जो होता है वो है हमारा सोइंग। हमारा थर्ड स्टेप है सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। कि जब ग्राउंड में हम सीड्स को स्कैटर करते हैं, स्प्रे करते हैं प्लांट्स के क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है? सोइंग ऑफ सीड्स कहा जाता है। तो सीड्स जो हम सो करते हैं ये भी टू कैटेगरीज के हो सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है मैनुअल सोइंग। फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि लोग खुद से सीड्स को सो कर रहे हैं, और सेकेंड जो प्रोसेस है उनको कहते हैं यूजिंग अ सीड ड्रिल। ये क्या है? सीड ड्रिल में है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हो ये है मैनुअली। मैनुअली क्या होता है कि इनमें बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने प्लोइंग में भी देखा था, इसमें भी क्या है कि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इनमें भी बहुत टाइम लग जाते हैं। प्लस एक प्रॉपर डेप्थ में या प्रॉपर डिस्टेंस में जो सीड्स को ग्रो करना चाहिए ये हमें नहीं हो पाता है। सीड ड्रिल में क्या होती है कि एक फनेल लगी होती है। इस फनेल में हम क्या है, फनेल के नीचे बहुत सारे फरोज, 5 to 6 फरोज ऑलमोस्ट लगे होते हैं। इन फरोज में एक होल्स बने होते हैं। जब हम फनेल्स में सीड डालते हैं ये फरोज जो है इक्वल डिस्टेंस में लगी होती है। तो जब हम फनेल में सीड्स को डालते हैं तो ये फरोज के थ्रू ग्राउंड में चली जाती है। ये एक जो रिक्वायर्ड डेप्थ होती है उस रिक्वायर्ड डेप्थ में सीड्स को सो करती हुई चली जाती है। प्लस जो प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के ग्रो प्रोडक्शन के लिए जो एक डिस्टेंस की नीड होती है उसी डिस्टेंस पे ये प्लांट्स जो होते हैं हमारे ग्रो करते हैं। तो दीज आर द मेथड ऑफ सोइंग। सोइंग के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ता है। तो सोइंग के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं कि हमें सीड्स को बिल्कुल पास पास हम इनको ग्रो नहीं कर सकते हैं। सीड्स को अगर हमने पास पास ग्रो किया, जस्ट लाइक कि आप इस तरीके से अगर आप ग्रो करते हैं बिल्कुल पास पास कर रहे हैं, अगर बहुत ही करीब होते हैं तो इनको प्रॉपर जो सनलाइट मिलती है या जो वाटर या न्यूट्रिशन मिल रहे होते हैं वे इनको प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमने ग्रो किया और ये प्रॉपर डेप्थ में नहीं हुआ, राइट डेप्थ जो है अगर नहीं होता है, तो बहुत सारे प्लांट क्या है कि सीड्स जो है वो एनिमल्स या बर्ड्स के थ्रू खा लिए जाते हैं, और इस वजह से भी फार्मर्स को काफी लॉस होता है और हमारा प्लांट क्या है बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि हमें सीड्रिल से क्या बेनिफिट है कि सीड्रिल से हमें क्या है इक्वल डेप्थ में भी हमारे सीड्स ग्रो, प्लांट ग्रो हो जाते हैं, इनको प्रॉपर तरीका इनको मिल जाता है, प्रॉपर स्पेस मिल जाते हैं, इनको न्यूट्रिशंस भी प्रॉपर मिल जाता है, जिस वजह से प्लांट ग्रो होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके आगे की चीजें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए।